सरकार ने WTO पे साइन कर दिया है, सर्विसेज का एग्रीमेंट लागू हो गया है, उसमें सो एंड सो प्रोविजन में ये सब कंडीशन है, आप प्लीज पढ़ लीजिए, आप हमको बाध्य नहीं कर सकते ऐसे किसी भी काम के। तो भारत सरकार चुप होकर बैठ गई, अब दम नहीं है आगे बात कर। और उन्होंने यहां तक धमकी दे दिया कि अगर आपने हमको मजबूर किया तो हम डिस्प्यूट सेटलमेंट काउंसिल में आपकी शिकायत करेंगे। अब उनकी हिम्मत इतनी कैसे है ये सब कहने, उनके पीछे उनका देश है माने अमेरिका, तो वो शिकायत करेंगे माने अमेरिका शिकायत करेगा। तो आप कल्पना ये कर सकते हैं कि हमारे देश में आई हुई विदेशी बैंक या विदेशी बीमा कंपनियां, भारत के लोगों के पैसे से चलने वाली ये बैंक और बीमा कंपनियां जरूरत पड़ने पर भारत को वो पैसा उपलब्ध नहीं करा सकती जो आपके ही देश का है, आप उनको कंपेल नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते। एक और दूसरी बात बताता हूं इससे ही जुड़ी हुई, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में जब ये सब हुआ, तबाही हुई, तो इसमें कई ऐसे लोग मारे गए जो भारत की बैंकों में काम करते थे, ऐसे लोग मारे गए। लेकिन ऐसा भी हुआ कि उनके परिवार में उनके बीवी बच्चे बच गए, पुरुष मर गया, पति मर गया, बीवी बच गई, या बीवी मर गई पुरुष बच गया, या बीवी माता पिता दोनों मर गए बच्चे बच गए, ऐसा हुआ। तो भारत के प्रधानमंत्री ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिया कि जिन बैंकों के अधिकारियों के परिवार के लोगों की मृत्यु हुई है उनमें उनका जो भी अगला नजदीकी हो उसको नौकरी दे दी जाए। तो तुरंत स्वीकृत हो गया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मद्रास में ऐसे कई लोगों को अभी भर्ती किया है जो उन परिवारों के हैं जो पहले उस बैंक में काम करते थे, और वो भर्ती प्राथमिकता के आधार पर हुई है, उस आधार पर नहीं हुई है, उनकी काबिलियत के आधार पर नहीं हुई है। काबिलियत उनको दी जाएगी, वो काबिल नहीं है, उस पोस्ट को होल्ड करने के लिए काबिल नहीं। अब बैंक उनको ट्रेनिंग देकर तैयार करेगी, ठीक है। जब विदेशी बैंकों से यह कहा गया कि आप भी करो, तो उनका सॉरी हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कॉम्पिटिशन करना है, हमें एफिशियंट लोग चाहिए, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। तो अब की बार प्रधानमंत्री को सुनामी भूकंप में भयंकर झटका लगा है इसका, क्योंकि ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सबसे ज्यादा विदेशीकरण और प्राइवेटाइजेशन की बात करने वाले व्यक्ति रहे। अब उनको समझ में आ गया है कि प्राइवेटाइजेशन का दुष्परिणाम और दुर्भाग्य क्या होता है, माने देश के ऊपर भयंकर संकट आ जाए तो भी वो मदद करने को तैयार नहीं। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात, और आप उन पर दबाव नहीं डाल सकते, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। इससे भी आगे तीसरी एक बात, सुनामी भूकंप जब आया तो भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की सरकार की सेवाओं में काम करने वाले हर कर्मचारी को एक महीने की पगार देने का निर्देश दिया। तो उस पर निगोशिएशन हुआ, तो निगोशिएशन होकर यहां तक आया कि कम से कम एक दिन की पगार तो देनी पड़ेगी। तो भारत के सभी सरकारी कर्मचारियों को बिना बताए हुए उनकी तनख्वाह से एक दिन का, कहीं कहीं दो दिन का, डेढ़ दिन का वेतन काटकर प्रधानमंत्री कोष में जमा कर दिया गया, ठीक है। जब विदेशी बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों को यह कहा गया तो उन्होंने कहा आप हमारी एक घंटे की भी सैलरी नहीं काट सकते, हमारी इच्छा है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अच्छा, मजे की बात क्या हुई कि सुनामी प्रभावित एरिया में लगभग कुल मिलाकर 33,000 गांव प्रभावित हुए हैं, कुल दक्षिण में तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल, आंध्रा और अंडमान निकोबार, इनमें से कई कई गांव भारत की बैंकों ने गोद ले लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कई गांव गोद लिए हैं, मैं देख के आया हूं, वहां पर भवन निर्माण का काम उन्होंने अपनी तरफ से चलाया है, ऐसे ही पंजाब नेशनल बैंक ने किया है, ऐसे ही लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वालों ने किया, ओरिएंटल इंश्योरेंस, एक भी विदेशी बैंक और विदेशी कंपनी ने एक भी गांव को गोद नहीं लिया है। वो कह रहे हैं हम तो यहां प्रॉफिट कमाने आए हैं, माने आप यहां मुनाफा कमा के तो लूट के ले जा सकते हैं लेकिन हमें जरूरत पड़ने पर उस मुनाफे का हिस्सेदार नहीं बना सकते। और हमारी मजबूरी क्या है, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, विदेशी बैंकों को इस मामले में कोई आदेश नहीं दे सकते। यह है सर्विसेज का एग्रीमेंट WTO,
ऐसी कंडीशन है। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग एक और बात बताते हैं, सर्विसेज के सेक्टर में ये जो विदेशी कंपनियां आएंगी वो क्या करने वाली है उसका एक उदाहरण छत्तीसगढ़ से आपको समझ में बहुत जल्दी आएगा। छत्तीसगढ़ में आपको मालूम है थोड़े दिन पहले एक सरकार चलती थी, उसने निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिए खुले थोक के भाव में छूट दिया है ना, और एक एक कमरे की यूनिवर्सिटी रायपुर में खुल गई। मैंने रायपुर में ऐसी कई यूनिवर्सिटी देखी है जिनमें पति वाइस चांसलर है और पत्नी रजिस्ट्रार है और यूनिवर्सिटी चल रही है, हस्बैंड वाइफ मिलके यूनिवर्सिटी चला रहे, क्या मजाक बना दिया है वहां बच्चे विद्यार्थी और ऐसी पता नहीं कितनी 130 135 कितनी यूनिवर्सिटी 146। तो 146 यूनिवर्सिटी खोलने का इन्होंने, निजी विश्वविद्यालय खोलने का कानून बना दिया। ये जो मजाक अभी छत्तीसगढ़ में हुआ है यही मजाक अगले साल पूरे देश में होने जा रहा है। WTO की सर्विसेज कंडीशन यही मजाक होने जा रहा है पूरे देश में। माने बाहर से आई हुई कोई भी विदेशी यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में अपनी शाखा खोल सकती है, बाहर से आई हुई कोई भी विदेशी, उसको आप जमीन दिलवाइए सस्ती कीमत पर दिलवाइए और वो अपना दो कमरे का घर बनाए या चार कमरे का घर बनाए उसमें वो शुरू कर सकते हैं। अच्छा, और मजे की बात यह है कि वो खोलेंगे कैसे। जैसे मान लो एक नाम लेके मैं बताता हूं, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी या मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट है, या आप अगर ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम ले लो ऑक्सफोर्ड है, ठीक है। ये क्या करने वाले हैं, ये हिंदुस्तान में अपने ब्रांच ऑफिसेस खोलने वाले हैं, ये यूनिवर्सिटी नहीं बनाने वाले, ब्रांच ऑफिस खोलने वाले। ब्रांच ऑफिस माने एक 20x20 का कमरा, अच्छा वेल फर्निश्ड, एसी लगा हुआ वगैरह वगैरह। तो वो वहां खोल दिया उन्होंने, दिल्ली में, बंबई में, कलकत्ता में, मद्रास में, रायपुर में, जगह जगह खोल दिया। विद्यार्थियों को उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट दे दिया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ब्रांच ऑफिस यहां खुल गया है, आपको अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आइए, दरवाजे खुले हुए, डॉलर में फीस लाइए। तो आप पहुंच गए जी, और सरकार रोक नहीं सकती उनको। आप ध्यान इस बात का रखिए कि सरकार उनको रोक नहीं सकती। वो क्या कहेंगे, वो ये कहेंगे हम यूनिवर्सिटी नहीं चला रहे हैं, ब्रांच ऑफिस खोल रहे हैं और वो सर्विस एग्रीमेंट का हिस्सा है। यहां तो रुकवा दिया सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में ये कह के कि इनके पास इतने फीट जमीन नहीं है, इतना फंड नहीं है, ये नहीं है, तो इनके लाइसेंस रद्द करो। सुप्रीम कोर्ट उनके लिए ये आदेश नहीं कर सकता क्योंकि वो WTO एग्रीमेंट में है। तो वो एक एक ब्रांच ऑफिस खोलेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे, और एडवर्टीजमेंट कैसे करेंगे, आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से BTech करना है तो $10,000 की फीस लाइए, जमा कराइए। किस ट्रेड में करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में करना है, मैकेनिकल में करना है, इलेक्ट्रिकल में करना है, आपके पास $10,000 एक मुश्त नहीं है तो तीन किश्त में ले आइए, $3,000 की दो किश्त और एक $4,000 की, आप यहां भर दीजिए, रिसीट ले लीजिए, फिर आप इम्तहान दे दीजिए अपने घर में बैठ के, लंदन जाने की जरूरत नहीं है, आप घर में बैठिए, आपको एक आंसर शीट आ जाएगा, वो आंसर शीट में भर के दे दीजिए, फिर इम्तहान आप पास कर लेंगे, आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का BTech का डिग्री मिल गया। और इसको ड्राइंग रूम में सोने के फ्रेम में मढ़वा के रखवा लीजिए कि मैंने BTech किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। हो सकता है आप टॉपर हो जाएं, हाँ वहां तो कई तरह के टॉपर होते हैं, तो आप भी उसमें हो जाएं। अब वो हो गया आपका, तो एक सर्टिफिकेट आपको मिल गया $10,000 में। उनका क्या गया, एक सर्टिफिकेट ही तो दिया है, $10,000 ले लिया यहां से, $20,000 लेंगे, $25,000 लेंगे। MBA का ले लीजिए आप उनसे, BBA का ले लीजिए आप उनसे, MTech का ले लीजिए उनसे, PhD ले लीजिए, DSC ले लीजिए, क्योंकि ये जो विदेशी विश्वविद्यालय है इन्होंने दुनिया के कई देशों में ये धंधे किए हुए हैं, और बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के ये धंधे चल रहे हैं, अफ्रीका के कई देशों में चल रहे हैं, और अफ्रीका ही नहीं, ये जितने अरब देश है ना, कुवैत है, बहरीन है, ओमान है, संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, इन देशों में भी उनके यही धंधे चल रहे हैं, ब्रांच ऑफिसेस खुले हुए। मैरीलैंड यूनिवर्सिटी के ब्रांच सभी गल्फ कंट्रीज में है,
और वहां क्या होता है, वहां यही होता है, तीन चार कमरे की बिल्डिंग है, उसमें वो क्लासेस चलाते हैं। तो सवेरे से शाम तक, सवेरे उसमें एमटेक की क्लासेस चलती हैं, दोपहर को बीटेक की चलती है, शाम को एमबीए की चलती है, रात को डीबीए की चलती है। दूसरे कमरे में सवेरे पीएचडी की क्लासेस हो रही हैं, दोपहर को डीएससी की क्लासेस हो रही हैं, शाम को कुछ और पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च की क्लासेस हो रही हैं, तीसरे कमरे में कुछ और क्लासेस हो रही हैं। क्लासेस में पढ़ने वाले 15-20 विद्यार्थी, 30 विद्यार्थी, जिनके माँ बाप के पास डॉलर इफरात में है, क्योंकि वो तो तेल का पैसा है, आप जमा कराते जाइए, क्लास करिए। वहां तो क्या होता है कि क्लास आपने इतने प्रतिशत किया है उसी पर डिग्री पक्की है आपकी, इम्तहान भी नहीं देना। क्योंकि ये जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं, इन सभी विश्वविद्यालयों में डिग्री लेना बेहद आसान है। हमारे देश में ये जो चर्चा होती है ना, मैं तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एमबीए कर, मैं आपको बताता हूं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का एमबीए क्या होता है। हिंदुस्तान में ये जो राहुल गांधी है ना, ये बीकॉम में फेल हो गया, मैं आपको असलियत बता रहा हूं, इसमें हंसना नहीं, आप देश की दुर्भाग्य की दशा पे आप आंसू रोना खून के, ये बीकॉम में फेल हो गया, इसकी बहन भी फेल हो गई, प्रियंका, दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, फेल हो गए। अब इनका बाप परेशान कि फेल हो गए, अब मीडिया में ये बात चली गई तो तकलीफ हो गई, तो इन्होंने क्या किया, दोनों को कहा कि हमने उनको विदेश में एडमिशन कराना है, तो हार्वर्ड में चला गया, एडमिशन मिल गया, हार्वर्ड से करके आ गया, यहां फेल हो गया, हार्वर्ड से पास होके आ गए। अच्छा, और मजे की बात क्या है कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अगर एडमिशन चाहिए आपको तो मेरिट की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत, मेरिट पर कहीं भी कोई बात नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा बिजनेस स्कूल है मेलबोर्न का, कैनबरा का, आप हिंदुस्तान में बीकॉम फेल है, बीए फेल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जाइए एडमिशन ले लीजिए, वहां से एमबीए करके चले आइए। और इससे भी ज्यादा अद्भुत व्यवस्था है ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में। ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज माने पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, बल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, सोवियत संघ, आप अगर नौवीं कक्षा फेल हैं, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, नौवीं कक्षा में अगर आप भारत में फेल हो गए हैं, आप सोवियत संघ चले जाइए, एमबीबीएस एमडी फर्स्ट क्लास फर्स्ट होके आ जाइए। और इस देश में मैं आपको एक नहीं, ऐसे दसियों हजार विद्यार्थी खड़े करके गिना सकता हूं जो नौवीं फेल हैं, दसवीं फेल हैं, एक दो बार नहीं तीन बार फेल हैं, रूस गए, मॉस्को यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस एमडी करके आए हैं। बस मुश्किल यही है कि वो भारत में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। क्यों? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कहता है कि ये पेट की जगह क्या क्या काटेंगे मालूम नहीं है, इसलिए उनको प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं है। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने क्या किया है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का इम्तहान फिर से पास करिए, और उसमें सब फेल हो जाते हैं, कोई पास नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, डिग्री लटका के अपने ड्राइंग रूम में सजाते हैं, मॉस्को यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस एमडी, एमबीबीएस की डिग्री, एमडी की डिग्री लटकी हुई है। और जिन मां बाप ने उनको भेज दिया है, उन मां बाप से मैं पूछता हूं कि इनका क्या मतलब है एमबीबीएस एमडी, उनका राजीव भाई शादी में दहेज मिल जाता है, इतना तो फायदा है, भले ये प्रैक्टिस कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन इसका जब ब्याह करेंगे तो 5 लाख 7 लाख तो मिल जाएगा, क्योंकि एमडी है, एमटेक है तो 3-4-5 लाख तो मिल ही जाएगा। तो विदेशी विश्वविद्यालयों में डिग्री बांटने का काम ऐसे होता है जैसे चावल खरीदने बेचने का काम साधारण रूप से होता है। कोई भी यूनिवर्सिटी में दुनिया में आप यहां बैठे बैठे डिग्री ले लें, ऐसी व्यवस्था अब इस देश में अगले साल से शुरू होने जा रही है ड्यू टू दिस डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट। परिणाम क्या होंगे, इसके परिणाम जो होने वाले हैं वो ये कि हिंदुस्तान में एक बड़ा वर्ग है विद्यार्थियों का जो हर साल फेल होता है, ठीक है, उनके लिए रास्ते खुल गए, फेल हो जाओ कोई दिक्कत नहीं, यहां पे ब्रांच है विदेशी विश्वविद्यालय की है, वहां की डिग्री तो हिंदुस्तान से बड़ी है, रायपुर विश्वविद्यालय से फेल हो गए तो हार्वर्ड बैठा है,
हार्वर्ड से फेल हो गए, ऑक्सफोर्ड बैठा है, ऑक्सफोर्ड से फेल हो गए, एमआईटी बैठा है, कहीं से भी डिग्री ले लो, पैसा जमा करो। अच्छा, इन सभी स्कूल्स में जो हार्वर्ड हो या एमआईटी हो, परीक्षा की पद्धति भारत से बिल्कुल अलग है। वो परीक्षा की पद्धति बिल्कुल भारत से अलग है। वहां कभी भी इस तरह का नहीं होता 33% पे पास होना, 60% पे फर्स्ट क्लास होना, 75% पे पोजीशन होल्डर होना, या जो भी कहना, वो ऐसा नहीं होता है। वहां ग्रेडेशन सिस्टम है, तो वहां कोई फेल नहीं होता है, लिटरली कोई फेल नहीं होता है। और यहां फेल और पास होता है, तो यहां जो भी फेल होते हैं उनके लिए रास्ते खुल गए। और अगर उनके मां बाप के पास थोड़ा डॉलर है खर्च करने के लिए, तो बहुत ही अच्छा है। तो होने वाला क्या है कि अब डॉलर का खर्च विदेशी यूनिवर्सिटीज की डिग्री खरीदने के लिए इस देश में चालू होगा, और 2-3 साल के बाद आपको इतने डिग्री होल्डर मिलेंगे कि आपको अपने ऊपर शर्म आना शुरू हो जाए। शर्म कैसे आएगी? मैं जानता हूं फेलियर है, लेकिन वो डिग्री लेके घूम रहा है, एमबीबीएस एमडी, क्या करेंगे आप उसका? ज्ञान मिले या ना मिले, डिग्री आराम से मिल जाएगी। और इन यूनिवर्सिटीज का क्या लेना देना है? वो ये चाहते हैं कि यहां से जितना डॉलर कमा के ले जा सको ले जाओ। और ऐसी सॉफ्टवेयर में होने वाला है, ऐसी तमाम दूसरे शिक्षण सत्र में अगले साल से धुआंधार। भारत सरकार के आजकल एक मंत्री महोदय है, उनका नाम है अर्जुन सिंह, वो हाँ मानव संसाधन मंत्रालय, और आजकल शिक्षा उसी के अधीन है, एजुकेशन, हायर एजुकेशन सब। बेंगलोर में उन्होंने अभी एक वर्कशॉप किया था 3 दिन का, विदेशी विश्वविद्यालयों को परमिशन देना है ये तो उन्हें मालूम है, लेकिन उनको कंडीशन क्या लगाएं? तो उस पर 3 दिन का वर्कशॉप किया, मुझे भी इन्विटेशन था, आप भी आइए हमको सुझाव दीजिए, मैं गया था उसमें। तो मैंने पहले ही दिन वर्कशॉप में कहा कि आप कंडीशन लगा ही नहीं सकते कुछ, WTO साफ कहता है, तो उनका हमें मालूम है, लेकिन आप उनको रास्ता बताइए कैसे बचें या कैसे बचाएं। मैंने कहा आप WTO एग्रीमेंट कैंसिल कर दीजिए। उन्होंने कहा ये हमारे बस में नहीं है, आप तो ये बताइए कि WTO के रहते हुए हम हिंदुस्तान में क्या उपाय करें ताकि ये विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रभाव से हमारे देश को हम बचा सकें। मैंने पूछा आपको चिंता क्या हो रही है? उन्होंने कहा मुझे चिंता ये हो रही है कि कल को अमेरिका की मैरीलैंड यूनिवर्सिटी दिल्ली में एक ब्रांच खोलने जा रही है, तो जितने विद्यालय माने विश्वविद्यालय में JNU में दिल्ली यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी पढ़ने जा रहे हैं, ये जाएंगे नहीं, ये सब वहां चले जाएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे और घर बैठे डिग्री मिलेगी, घर बैठे इम्तहान देंगे, उनको अमेरिका भी नहीं जाना है, उनको कहीं नहीं जाना है, तो हमारा JNU बंद हो जाएगा, हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय बंद हो जाएगा, क्योंकि वहां तो पढ़ाई के बाद डिग्री मिलती है, इम्तहान भी पास करना पड़ता है तब डिग्री मिलती है, यहां तो ऐसी फोकट में मिलने वाली है। तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम क्या है? JNU बंद हो जाए तो हो जाने दीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी बंद हो जाए तो हो जाने दीजिए, IITs बंद होते हैं हो जाने दीजिए, आप तो चाहते ही हैं कि हर चीज का प्राइवेटाइजेशन हो जाने दीजिए बंद। तो उन्होंने कहा कि भाई देश तो डूब जाएगा फिर। मैंने पूछा कैसे डूब जाएगा? कि देश को चलाने के लिए कुछ अक्ल वाले लोग तो चाहिए, वो यहीं से निकलते हैं, वो तो निकलने ही बंद हो जाएंगे, फिर तो इस देश में सब लालू यादव और रावड़ी देवी ही आ जाएंगे, वो तो देश को बिहार की तरह चलाएंगे, तो क्या होगा? मैंने कहा अगर आपको इतनी ही चिंता है तो अपने प्रधानमंत्री से कहते क्यों नहीं कि WTO में फिर से निगोशिएशन शुरू कराएं और इन शर्तों को बदलवाएं। ये तो आप फालतू में विधवा विलाप कर रहे हैं, विधवा विलाप है। जब एग्रीमेंट साइन हो रहा था तब करना चाहिए था, कंडीशन पढ़ लेनी चाहिए थी, अब साइन हो गया है, आप कुछ कर नहीं सकते, अब मुझसे पूछ रहे हैं उपाय बताओ, साइन आपने किया, गू आपने किया, मुझसे कह रहे साफ करो। तो थोड़े नाराज हो गए। मैंने कहा देखिए इसमें नाराज होने की बात नहीं है, आप देश के बारे में अगर बहुत गंभीर हैं इन विषयों को लेकर तो सरकार के अंदर पुनः समीक्षा करवाइए WTO एग्रीमेंट की, वरना आप कोई कंडीशन इनके ऊपर नहीं लगा सकते। आपने कंडीशन लगाया वो शिकायत करते हैं आपके खिलाफ। तो इस समय बहुत परेशान है और परेशान उन्होंने, मैंने पूछा कितने यूनिवर्सिटीज का आ गया है आपके पास प्रपोजल? तो उनका 150 विदेशी विश्वविद्यालयों का प्रपोजल आ गया है। अब मुझे उनके लिए हर हालत में अगले 3 साल के अंदर जमीन उपलब्ध करानी है और कंसेशनल रेट पर उपलब्ध करानी है, 2 रुपए स्क्वायर फीट, 3 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से।
और एक स्कूल तो आ रहा है अमेरिका का, वो अड़ा हुआ है कि हमें बसंत एनक्लेव में जगह चाहिए, दिल्ली में बसंत एनक्लेव। बसंत एनक्लेव की आज की कीमत जो है ना 1 एकड़ की 10 करोड़ रुपए है। वहां वो स्कूल चाहता है, हमको जगह चाहिए और 2-3 रुपए स्क्वायर फीट में ये देनी पड़ेगी इनको, तो ये इससे थोड़ा परेशान है। तो मैंने उनसे मजाक में कहा, आप तो आंख मीच के शुतुरमुर्ग की तरह करिए, जो करना आंख बंद करिए, हस्ताक्षर करते जाइए जैसे आपकी सरकार करती। ये स्थिति रियलिटी में आई है देश में। तो सर्विसेज के सेक्टर में WTO की कंडीशंस का लागू होना, बैंकों में, बीमा कंपनियों में, शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी घुसेगा, कुछ भी करेगा, और यहां होने वाला क्या है, तमाशा ये होने वाला है, हिंदुस्तान एक ऐसा देश इस समय बना हुआ है जहां की शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा फेलियर क्या है कि हमने पढ़े लिखे बेरोजगारों की एक लंबी फौज खड़ी कर दी है इस देश में, पढ़े लिखे बेरोजगार। इस देश में आप अगर घूम जाएं पूरे देश में तो आपको 8-10 करोड़ नौजवान ऐसे मिल जाएंगे जो कम से कम ग्रेजुएट हैं, बीए हैं, बीकॉम है, बीएससी है, बीटेक है, एमबीबीएस है, कम से कम ग्रेजुएट हैं। ऐसे 8-10 करोड़ नौजवान मिल जाएंगे आपको, पढ़े लिखे बेरोजगारों की कर दी है फौज खड़ी। ये किसी काम पे लगी नहीं है। जब ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज यहां घूमना शुरू होंगी तो वो इनको उल्लू बनाएंगे। उल्लू कैसे बनाएंगे, वो क्रैश कोर्स करवाएंगे, क्रैश कोर्स। और क्रैश कोर्स किस तरह से करवाएंगे, वो कहेंगे आपको गल्फ जाना है, हां हां जाना है, कौन मना करेगा, आइए 3 महीने के क्रैश कोर्स में ज्वाइन करिए। फीस है $1500, $2000, $3000, सब फीस डॉलर में लेंगे, क्योंकि सरकार उनको ये परमिशन देने जा रही है कि वो फीस अपनी डॉलर में ले सकते हैं, रुपए में फीस ना स्वीकार करें ये उनको अधिकार होगा। तो फीस बनाएंगे $1500, $2000, $3000, $4000। सिखाएंगे क्या, सिखाएंगे ये कि गल्फ में कैसे रहना, कैसे काम करना, ये क्रैश कोर्स है, ठीक है। अब जैसे ही वो ये दरवाजे पर टांगेंगे, इराक में जाने के लिए, ईरान में जाने के लिए, सऊदी अरब में जाने के लिए, दुबई जाने के लिए, अबू धाबी जाने के लिए, क्रैश कोर्स करिए, जैसे आजकल गांव गांव में है ना, अमेरिकन इंग्लिश बोलने के लिए क्रैश कोर्स करिए, कैसी भीड़ लगी रहती है, और अमेरिकन इंग्लिश के प्रति इतनी दीवानगी कैसे है, कॉल सेंटर खुल रहे हैं, तो कॉल सेंटर में कहीं कहीं गुंजाइश है। अब कॉल सेंटर में उतनी गुंजाइश नहीं है, मान लो 40 लोग चाहिए तो 40,000 लोग क्रैश कोर्स में लगे हुए हैं अंग्रेजी बोलने के लिए। तो ऐसे ये क्रैश कोर्स शुरू करेंगे। हिंदुस्तान के जो लड़के लड़कियां हैं वो इतने भोले भाले सीधे साधे हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से क्रैश कोर्स हो रहा है, बड़ी ऊंची चीज है, चलो भैया $2000 की भी फीस दो, $3000 भी दो, और उस क्रैश कोर्स में बस इतना ही सिखाएंगे, गल्फ में जाना तो कैसे रहना, वहां के नियम क्या है, कायदे क्या है, कानून क्या है, व्यवस्था कैसी है, डॉर्मेट्रीज में रहना पड़ता है तो कैसे रहना, बक्सा रखने की भी जगह नहीं मिलती है तो बिना बक्से के कैसे रहना, ये सब सिखाते हैं उसमें। एक बार मैं एक क्रैश कोर्स में गया, वो सिखा रहे थे कि दुबई में, अबू धाबी में जाना है, दिल्ली में चलता है, तो मैं बैठ गया उनके यहां पूरे दिन सवेरे से शाम तक, तो वो यही सिखा रहे थे, दुबई अबू धाबी की हालत है बहुत खराब। ये जो हिंदुस्तानी जाते हैं ना काम करने के लिए मजदूर, आपको यहां लगता है कि बड़े मौज मजे में रहते हैं, मस्ती में, आप बहुत तकलीफ में आ जाएंगे ये जान के कि जो हिंदुस्तानी गल्फ में है उनमें 2% के पास अपना घर है बस, 98% डॉर्मेट्रीज में रहते हैं। डॉर्मेट्रीज माने लाइन के लाइन बने हुए दबड़े, दबड़े कहें, दड़बे कहें, बैरक्स, 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 लाइन के लाइन बनी हुई बैरक्स, और बैरक्स में छोटे छोटे कमरे, और एक कमरे में 6-6 चारपाई, कमरे की साइज 8x8, 64 स्क्वायर फीट, 70 स्क्वायर फीट का कमरा, 6 चारपाई, कैसे आएगा ट्रेन के डिब्बे में, कैसे आता है, हाँ 3-टायर स्लीपर क्लास देखा है, वैसे ही उनके यहां डॉर्मेट्रीज है, तो 3-टायर स्लीपर क्लास है। अब तकलीफ क्या आती है, वहां पे नीचे का जो है आखिरी बर्थ, उसी के नीचे सामान रखना है और 6 लोगों को रखना है, तो वो क्रैश कोर्स में समझाते हैं भाई अपना बक्सा ऐसे रखना तो उसमें स्पेस कम कवर होगा, ज्यादा बक्सा लेके नहीं जाना, फिर आपने पास ज्यादा
पहनने के कपड़े नहीं रखना, वही जोड़े रखना, नहीं तो रखने की जगह नहीं है, अपना साबुनदानी कहां रखना, जब बाहर जाना तो साबुनदानी को बक्से में बंद करके जाना क्योंकि बाकी की भी 6 साबुनदानियां वहां रखी हुई हैं, संडास और बाथरूम के लिए जाना है तो टाइम फिक्स कर लेना, हर एक आदमी को 5-5 मिनट सवेरे सवेरे अंदर जाना है तो 5 मिनट आपका फिक्स कर लेना, 5:55 पे आप जाओगे, 6 बजे वो जाएगा, 6:05 पे वो जाएगा, नहीं तो आपकी बस छूट जाएगी, बस छूट गई तो उस दिन की पगार कट जाएगी। ये है क्रैश कोर्स, और इसके लिए $1,500, $2,000, $3,000। आप सुनकर हैरान हो जाओगे, इतना पागलपन है दुबई जाने के लिए, अबू धाबी जाने के लिए, कि लोग खेत बेच बेच के क्रैश कोर्स कर रहे हैं। मैं अभी थोड़े दिन पहले आंध्रा में गया। आंध्रा में एक जिला है कृष्णा, कृष्णा जिले में ऐसे क्रैश कोर्स चलाने वाली कम से कम 150 संस्थाएं और $1,200 फीस, 10 दिन का क्रैश कोर्स, 7 दिन का, 8 दिन का, $1,200-$1,500 अगर रुपए में जोड़ दो तो 44 का गुणा कर लो। जो करने वाले हैं क्रैश कोर्स वो कौन है? गांव के गरीब किसानों के बेटे या बेटियां जो अपनी जमीन गिरवी रख के पैसा लाए हैं, क्रैश कोर्स करेंगे। फिर वहीं पर एजेंट बैठा है, आपका क्रैश कोर्स पूरा हुआ तो एजेंट कहेगा अब आपको पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, 1.5 लाख रुपए ले आओ, आप लेके दे दो 1.5 लाख रुपए कहीं से कर्ज लेके, अब मैं आपको भेजने की व्यवस्था कराता हूं। तो उनका वो वीजा बनवाएगा, वीजा बनवाएगा, उसमें कमीशनबाजी, उनको ठेल दिया जाएगा और ठेलने के बाद क्या होगा, वहां उनको सब दर्शन हो जाते हैं नरक और स्वर्ग के। जो लोग इन एजेंटों के माध्यम से चले जाते हैं 3 साल तक तो वापस नहीं आ सकते, 3 साल वापस नहीं आ सकते, 3 साल लगातार रगड़ना पड़ेगा। काम के घंटे सवेरे 7 बजे से शाम 7 बजे तक, 12 घंटे से कम काम नहीं। और पेमेंट कितना, दुबई में मुश्किल से 10 या 12 दिरहम मिलता है, 10 या 12 दिरहम मुश्किल से, 1 दिरहम में 12 रुपए कुछ पैसे है तो 125 रुपए के आसपास मिलता है। खाना इतना महंगा कि उसमें कुछ बच नहीं सकता, और हॉस्पिटल की कोई सुविधा नहीं, बीमार पड़ जाओ तो वहां मैंने आंखों से देखा है मर जाना सस्ता है, बीमार पड़ना मुश्किल है। बीमार पड़ो तो इलाज नहीं करा सकते, मर जाओ तो सस्ता है, और मर गए तो लाश यहां आना उससे भी ज्यादा महंगा है, डेड बॉडी नहीं आ सकती, आएगी तो आपके घर के गहने बिक जाएंगे। तो मुझे डर जो लग रहा है वो ये कि ये जो विदेशी यूनिवर्सिटीज आ गई और इन्होंने चालू किया अपना धंधा, ये गांव गांव में बोर्ड टांगेंगे, दुबई जाना है, अबू धाबी जाना है, मेलबोर्न जाना है, कैनबरा जाना है, न्यूयॉर्क जाना है, न्यू जर्सी जाना है, कोई पेरिस जाएगा, कोई वो मॉन्ट्रियल जाएगा, तो कोई कहीं जाएगा। और हिंदुस्तानियों में एक भयंकर क्रेज है विदेश का, वास्तविकता से दूर। हम ये मान के बैठे हैं कि दुनिया का सारा स्वर्ग वही है, अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में। ये अमेरिका में भी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाते हैं ना, 98% सॉफ्टवेयर इंजीनियर डॉर्मेट्रीज में रह रहे हैं, सिर्फ 2% के पास अपना फ्लैट है, वो बताते नहीं है, ये अलग बात है क्योंकि यहां बेइज्जती होती है। और मुश्किल एक और है कि आप फंस गए अगर इस जो चक्र में और वहां पहुंच गए तो जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है। आज तक काम कर रहे थे, कल सवेरे सैलरी का पैकेट देके एक चिट्ठी देके रवाना कर देगा, आप नहीं आना, आप ना अदालत में जा सकते हैं ना कहीं कानून की लड़ाई लड़ सकते हैं। फिर आप क्या करिए, दूसरी कोई नौकरी ढूंढिए, तो होटल में पानी पिलाने की मिले तो पानी पिलाइए, बर्तन घिसने की मिले बर्तन घिसिए, पैकेट बांधने की नौकरी मिले तो पैकेट बांधिए, और यहां मम्मी पापा को कहिए कि मैं बहुत खुशी में हूं, बहुत मजे में हूं, मैंने MBBS कर लिया था, अब मैं यहां पर एक डॉक्टर के यहां काम करता हूं। डॉक्टर का काम क्या करता है, इंजेक्शन लगाने का, ये होता है। और यहां उनके मां बाप छाती तोड़ी करके मेरा बेटा अमेरिका में है, क्या कर रहा है ये नहीं मालूम है, अमेरिका में रह कैसे रहा है ये नहीं मालूम है, अमेरिका में मेरा बेटा दुबई में है, मेरा बेटा अबू। ये जो हिंदुस्तानियों में मानसिक गुलामी आज भी बसी हुई है, विदेशियों के प्रति आकर्षण, इसका वो भयंकर एनकैशमेंट कराने वाले हैं। और ऐसे ऐसे फ्रॉड होंगे इस देश में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे फ्रॉड। कोई एक संस्था आएगी, वो कहेगी कि हम मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ एफिलिएटेड हैं,
आपके पास कोई रास्ता नहीं है क्रॉस वेरिफिकेशन करने का, और हमको आदत भी नहीं है। उन्होंने कहा हमारा एफिलिएशन एमआईटी के साथ है, हमारी डिग्री एमआईटी वाली है, आप आ जाओ भर्ती हो जाओ। एक साल के बाद पता चला उन्होंने 1.5-2 लाख, 3 लाख डॉलर इकट्ठा किए, भाग लिए। अब सरकार जो है परेशान है, एफआईआर आप कराते रहिए, ढूंढने के लिए सरकार जाएगी। वो अमरीका भाग गए, तो सरकार की ताकत नहीं है कि अमरीका से गिरफ्तार करा के लाए और हिंदुस्तान में मुकदमा चलाए। ऐसे फ्रॉड होंगे, क्योंकि एजुकेशन जो यूरोप और अमेरिका में है वो